सीजी और सीपी तो हमने समझ लिया, शटलकॉक के घूमने की पहेली को समझने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी होगी। किसी भी वस्तु पर यदि पर्याप्त बल लगता है तो वह गति करने लगती। अगर यह बल सीजी के अलावा किसी और बिंदु पर लग रहा है और इस बल की दिशा की रेखा सीजी से नहीं गुजर रही है तो यह वस्तु घूम सकती है। जैसे कि यह हथौड़ा टेबल पर पड़ा है, अगर इसके सीजी पर पर्याप्त बल लगाएं तो यह आगे की ओर गति करने लगता है। अगर सीजी के अलावा कहीं और बल लगाएं लेकिन इस बल की दिशा सीजी से गुजरती हो तो भी हथौड़ा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बल इस तरह लगाएं कि उसकी दिशा दर्शाने वाली रेखा सीजी से नहीं गुजर रही है तो हथौड़ा सीजी बिंदु के चारों ओर घूमने लगता है। इस तरह के बल को टॉर्क या बलाघून कहते हैं। बलाघून की दिशा को हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं। इस हथौड़े को घुमाकर हवा में फेंके तो यह पलटी मार कर जाता है, लेकिन इसके सीजी बिंदु को ध्यान से देखिए। सीजी बिंदु बड़े व्यवस्थित तरीके से जाता है और बाकी भाग उसके चारों ओर घूमता है। अगर कोई वस्तु हवा में घूमती है तो वह सीजी बिंदु के चारों ओर ही घूमेगी। अगर उस वस्तु पर हवा में कोई बल लगता है तो वह उसे सीजी बिंदु पर घुमाएगा। अब शटलकॉक की उड़ान को फिर से देखते हैं। जब हमने रैकेट से शटलकॉक की कॉर्क को शॉट मारी तो शॉट मारने के तुरंत बाद सीपी आगे की ओर है और सीजी पीछे की ओर है। लेकिन कुछ देर बाद सीजी आगे हो गया और सीपी पीछे, तो यह कैसे घूम गई अब इसे समझते हैं। ये रेखा शटलकॉक की धुरी दिखाती है। इसमें सीपी से गुजरने वाली रेखा सीजी से भी होकर गुजरती है। जब हम शटलकॉक को शॉट मारते हैं तो उसकी गति की एक दिशा होती है। हवा में गति करते वक्त लगभग हमेशा ऐसा होता है कि शटलकॉक की गति की दिशा उसकी धुरी की दिशा में नहीं होती है, यानी शटलकॉक की धुरी का उसकी गति की दिशा के साथ कुछ कोण होता है जिसे एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। अब अगर हम शटलकॉक को उसके साथ जाते हुए देखें तो शटलकॉक स्थिर दिखेगी और हवा गति की विपरीत दिशा में इस ओर जा रही होगी। हवा द्वारा शटलकॉक के हर हिस्से पर बल लग रहा है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यह सारा बल एक बिंदु पर केंद्रित है जिसे सीपी कहते हैं। हवा द्वारा लगने वाले बल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बल जो हवा की दिशा में लगता है इसे घर्षण या ड्रैग कहते हैं और यह शटलकॉक की गति को धीमा करता है। दूसरा बल हवा की दिशा के लंबवत लगता है, इसे लिफ्ट कहते हैं और यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत शटलकॉक को हवा में उछाल देता है। शटलकॉक की संरचना ऐसी होती है कि उसमें लिफ्ट बल बहुत छोटा होता है और ड्रैग बल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम केवल ड्रैग बल को ही देखेंगे। हवा में गति करते वक्त शटलकॉक पर जो ड्रैग बल लगता है वह शटलकॉक की धुरी के साथ एक कोण बना रहा है, यह एंगल ऑफ अटैक जितना ही है। आप देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स या ड्रैग बल की दिशा की रेखा सीजी से होकर नहीं गुजर रही है। जैसे हथौड़े पर टॉर्क लगने से वह घूम गया था, वैसे ही शटलकॉक पर ड्रैग फोर्स की वजह से एक टॉर्क लगेगा जो इसे सीजी के चारों ओर घुमाने लगता है। यानी शॉट मारने के बाद अगर शटलकॉक का हवा के साथ थोड़ा सा भी एंगल ऑफ अटैक है तो ड्रैग फोर्स की वजह से वह थोड़ी देर बाद इस तरह घूम जाएगी कि कॉर्क वाला हिस्सा आगे की ओर हो जाएगा और पंख वाला खुला मुंह पीछे की ओर। यानी शॉट मारने के तुरंत बाद सीपी सीजी से आगे था और थोड़ी देर बाद सीजी सीपी से आगे हो जाएगा। आप इसे यहाँ स्लो मोशन वीडियो में भी देख सकते हैं। अब और एक सवाल उठता है कि कॉर्क वाला हिस्सा आगे आने के बाद शटलकॉक उसी स्थिति में क्यों रहती है और घूमती क्यों नहीं? जब कॉर्क या सीजी आगे की ओर है और सीपी पीछे की ओर, तो इस स्थिति में अगर शटलकॉक का हवा के साथ कोई एंगल ऑफ अटैक बनता है तो सीपी पर लगने वाला घर्षण बल कॉर्क को इस दिशा में घुमाएगा। अगर वह थोड़ा ऊपर चली जाती है तो एंगल ऑफ अटैक इस तरह बनेगा
और अब इस स्थिति में सीपी पर लगने वाला घर्षण बल कॉर्क को इस दिशा में घुमाएगा। यानी दोनों स्थिति में शटल कॉक इस तरह घूमेगी कि वह अपनी गति की दिशा में सीधी हो जाएगी। इसीलिए शटल कॉक की यह स्थिति बने रहती है जिसमें सीजी सीपी से आगे है। आप स्लो मोशन वीडियो में देख सकते हैं कि पलटने के बाद अपनी अधिक गति के कारण शटल कॉक दूसरी दिशा में थोड़ी ज़्यादा घूम गई थी, लेकिन अब उस पर दूसरी दिशा में टॉर्क लगने लगा और वापस उल्टी दिशा में घूमने लगी। गति करते हुए हर वक्त शटल कॉक पर ड्रैग फोर्स का टॉर्क लगने लगता है, जो उसकी धुरी की दिशा को लगातार बदलते रहता है। इसीलिए दूसरे खिलाड़ी के पास शटल कॉक का कॉर्क वाला हिस्सा आगे की ओर होता है। यानी कि उड़ने वाली वस्तु के साथ अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो इसका सीजी हमेशा सीपी से आगे होना चाहिए। इसे हम एक मज़ेदार खिलौना बनाकर भी समझ सकते हैं, और ये खिलौना एक पेपर रॉकेट है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। पेपर को एक पेंसिल से इस तरह रोल करके चिपका देते हैं। रॉकेट की बॉडी बनकर तैयार है। अब इसके पंखों को ड्रॉ करके काट लेते हैं और इन पंखों को यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह चिपका देते हैं। अब एक कोन का आकार बनाकर इस बॉडी के टिप पे चिपका देते हैं। हमारा रॉकेट बनकर तैयार है। इसका सीजी यहाँ पर है और ज़्यादा सतह होने के कारण इसका सीपी इधर फिन्स की ओर होगा। क्योंकि इसका सीजी सीपी से आगे है तो इसकी उड़ान स्टेबल होगी, और इसे हम फूंक मारकर लॉन्च करके देखते हैं। अभी इसकी फ्लाइट बिल्कुल स्टेबल है। नुकीला हिस्सा सामने है और फिन्स वाला हिस्सा पीछे है। अगर आपका रॉकेट स्टेबल नहीं उड़ रहा है तो इसके आगे नुकीले हिस्से पर थोड़ी क्ले या आटा लगा लीजिए, जब तक कि यह अच्छे से ना उड़ने लगे। अब इनकी फिन्स को धीरे धीरे आगे खिसकाएंगे और देखेंगे कि इसकी फ्लाइट में क्या बदलाव आता है। आप देख सकते हैं कि यह पहले जैसे स्टेबल नहीं उड़ रहा है। फिन्स को एकदम आगे लगा देने से देखिए क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने रॉकेट का वजन नहीं बदला, लेकिन सिर्फ फिन्स को खिसका देने से, यानी सीपी को खिसकाने से, इसकी उड़ान में बदलाव आ गया। आप चाहे तो फिन्स की तरफ क्ले लगाकर सीजी को पीछे भी खिसका सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या फर्क पड़ता है। दिवाली के रॉकेट में एक लंबी सी डंडी होती है, और यह डंडी इसलिए नहीं होती है कि इसे बॉटल में सहारा मिल सके। डंडी लगाने से इसके पीछे की सतह ज़्यादा हो जाती है, जिससे इसका सीपी आगे के भारी हिस्से से पीछे हो जाता है। यानी कि डंडी की लंबाई काफ़ी होनी चाहिए जिससे सीपी हमेशा सीजी से पीछे रहे। इसको आजमाने का एक बहुत सरल तरीका है। हमने एक जैसे तीन रॉकेट लिए हैं। एक रॉकेट को हम ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे रॉकेट की डंडी थोड़ी काट देंगे और तीसरे रॉकेट की डंडी काफ़ी काट देंगे। अब तीनों का सीजी बिंदु निकालेंगे और वहाँ पर एक लंबा धागा मजबूती से बांध देंगे। इन रॉकेट को इस तरह अपने चारों ओर घुमाइए। पहले रॉकेट में सीजी सीपी से आगे है तो वह स्टेबल है, और घूमते वक्त उसका नुकीला हिस्सा आगे की ओर है। थोड़ा डिस्टर्ब होने पर भी वह स्टेबल तरीके से घूमता रहता है। दूसरा रॉकेट भी स्टेबल है, लेकिन पहले वाला जैसा नहीं। तीसरा रॉकेट स्टेबल नहीं है और उल्टा पुल्टा होकर घूम रहा है। तीसरे रॉकेट में शायद सीपी सीजी से बहुत नज़दीक आ गया है, जिससे वह स्टेबल तरीके से नहीं घूम पा रहा है। आप देख सकते हैं कि तीनों की उड़ान में कितना फर्क है। शटल कॉक की तरह बर्ताव करने वाला आप एक कागज़ का सरल खिलौना भी बना सकते हैं, जो पैराशूट जैसा दिखता है। सबसे पहले काइट पेपर लेकर उसमें एक चौकोर काट लेते हैं। इसको दोनों डायगोनल्स पर हल्के से मोड़ लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही A4 पेपर के साथ भी करेंगे। एक छोटा चौकोर काटकर डायगोनल पर मोड़ देंगे।
अब इस छोटे चौकोर को बड़े काइट पेपर के चौकोर के बीच में रखकर इस तरीके से चिपका देंगे। हमारा पैराशूट बनके तैयार है। थोड़ी ऊंचाई से इस तरह गिराएंगे तो यह स्टेबल तरीके से गिरेगा, लेकिन अगर आप इसको उल्टा करके गिराएंगे तो ये सबसे पहले एक पलटी मारेगा और फिर स्टेबल स्थिति में गिरेगा। आप अलग अलग साइज के पैराशूट बना सकते हैं और उनमें तुलना कर सकते हैं। तो आज आपने एक छोटी सी शटल कॉक और छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से रॉकेट जैसी जटिल मशीन के उड़ने के विज्ञान को समझा। तो उम्मीद है कि अगली बार जब आप किसी उड़ती हुई वस्तु को देखें तो उसमें लगने वाले बल और उनके आपसी संबंध को आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।